सामने भूत आया ना तो माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूंगा चूड़ियाँ। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर कल डिज्नी हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक और सेलिब्रिटीज का इस फिल्म के लिए मिला। देखते ही देखते दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर ने एक दिन में लगभग 10 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। ट्रेलर का इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखते हुए जनता को लग रहा है कि ये फिल्म सुपर हिट अब हो जाएगी। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में भी रिलीज़ की जाएगी, जहां पर दोस्तों ये एक वीक बाद रिलीज़ होगी डिज्नी हॉटस्टार के बाद, यानी कि 9 नवंबर को ये हॉटस्टार पे, जबकि दोस्तों लगभग 16 नवंबर तक ये आपको सिनेमाघर में देखने को मिल जाएगी। गौरतलब है 15 अक्टूबर से देश भर में सिनेमाघर खुल जाएंगे और उसके बाद फिल्मों का लगना वापस से थिएटर में शुरू हो जाएगा। हालांकि फिल्मों में जो हॉल होते हैं उसमें बैठने की क्षमता दर्शकों की कम हो जाएगी और पहले से आधे दर्शक ही एक बार में शो देख सकेंगे। लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर जिस प्रकार से दोस्तों रिकॉर्ड बना रहा है, यह फिल्म लॉन्ग लाइफ ले सकती है थिएटर्स में और अच्छी खासी कमाई भी कर सकती है। अक्षय कुमार की फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है और पहले ही दिन दोस्तों 130 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि दोस्तों ये डिज्नी हॉटस्टार को 130 करोड़ में बिक गई है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, सिनेमाघर में रिलीज़ होती है तो ये दोस्तों अगर 100 करोड़ भी वहाँ से कमाए तो ये 230 करोड़ की लागत निकाल लेगी। ऐसे में ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अक्षय कुमार की हो जाएगी। हालांकि फैंस ये सोच रहे हैं कि अगर ये फिल्म ईद पर रिलीज़ होती राधे के सामने तब कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है और दोस्तों ये फिल्म पूरे तरीके से थिएटर के ही लायक है, क्योंकि इसके जो हॉरर सीन है इसका असली मज़ा तो बड़ी स्क्रीन पे ही आता। तो दोस्तों, ये तो अक्षय कुमार की किस्मत थोड़ी सी सही नहीं रही कि कोरोना के कारण इस बार सारे फेस्टिवल जो अक्षय कुमार ने बुक किए थे वो उनके हाथ से निकल गए। खैर, लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी और दोस्तों ये फिल्म 500 करोड़ी आराम से होगी। अक्षय कुमार की फिल्म में इस ट्रेलर में अक्षय कुमार की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने दोस्तों एक किन्नर भूत का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी अच्छे से वो नज़ाकत भी अपने कैरेक्टर में दिखा रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कियारा अडवाणी हमें नजर आएंगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राघव लॉरेंस, जो कि दोस्तों कंचना 2 में लीड एक्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्मी बॉम्ब 500 करोड़ी फिल्म बनेगी अक्षय कुमार की? कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।